दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और एफसीआई का जो असिस्टेंट ग्रेड थ्री का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उनका ये कहना है कि क्या पॉसिबिलिटी है उनके सिलेक्शन लेने की। अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नई समझ में आएंगी। और मैं आपको कुछ स्टेट्स यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है और कितने कितने लोग जो है वेट लिस्ट में हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एफसीआई का रिजल्ट है, ओके, तो अगर आप देख रहे हैं कि मेरी क्या पॉसिबिलिटी है और वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है तो कब तक ये रिजल्ट आएगा और ये वेटिंग लिस्ट कब तक फाइनलाइज होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि मेरे चांसेस क्या हैं, तो ये वीडियो अगर आप पूरी देखोगे आपको बदल जाएगा कि बेसिकली क्या वेट लिस्ट का मतलब है और कब तक ये वेट लिस्ट आने के आसार है। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना रिजल्ट चेक किया होगा तो जो सेलेक्टेड वाली लिस्ट है इसमें केवल उन लोगों का नाम है जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी इतनी वैकेंसीज हैं केवल उतने लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, बाकी सारे लोगों को वेट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अनरिजर्व के लिए वेट लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं, एससी के लिए यहाँ से, एसटी के लिए यहाँ से और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अभी मैंने केवल ये चार नंबर वाला देखा था असिस्टेंट ग्रेड थ्री, ये मैंने देखा था नॉर्थ जोन का। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था 256 वैकेंसीज हैं, तो इसके हिसाब से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो हैं 256। ओके, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये दोस्तों इनको डाल दिया गया किसमें, वेट लिस्ट में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आंकड़े देखते हो तो 256 वैकेंसी हैं और जो कैंडिडेट हैं वो भी 256, यहाँ पर केवल 256 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये मैं आपको सैंपल डेटा बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर। ये जोन है नॉर्थ जोन। ठीक है, नॉर्थ जोन का अगर आप AG3 जनरल देखोगे तो उसमें ये वाला चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ अनरिजर्व की पोस्ट है, ठीक है, देखो जो वेटिंग लिस्ट में है इसमें देखो 206 लोगों को अनरिजर्व में रखा गया है वेटिंग लिस्ट में। एससी में 100 लोग हैं और ओबीसी में 60 हैं, ईडब्ल्यूएस में 57 है, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी में भी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर वैकेंसी वाइज देखूँ, जैसे कि 256 टोटल आपकी वैकेंसी है, 256 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, उसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और वैकेंसी किस तरीके से है, अनरिजर्व में 139 है, तो 139 सीटों पर रिक्रूटमेंट जो है वो हो चुका है, सिलेक्शन लोगों का हो चुका है। लेकिन 139 सीटों के लिए दोस्तों 206 लोगों को इन्होंने जो है रिजर्व लिस्ट के लिए रखा है। ठीक है, अगर इत्तेफाक से जो भी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उसमें से जो टॉप लेवल पर ऑर्डर है, ठीक है, मतलब जो रैंक वाइज है अनरिजर्व रैंक 1, अनरिजर्व रैंक 2 वेट लिस्ट में, उनके हिसाब से उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम भी डिसाइड किया है ताकि वहाँ पर इजली ये चीज़ें हो जाएं। और रैंकिंग सिस्टम के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मार्क्स देखना, अगर मार्क्स क्लैस करें तो डेट ऑफ बर्थ है और क्वालिफिकेशन है समथिंग, वो सारी चीज़ों को मेजर करके इन्होंने रैंक बनाई है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो 52 सीटों के लिए 52 लोगों का चयन तो हो चुका है, लेकिन अगर जो लोग ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो उसमें जो वेट लिस्ट है उसमें 100 लोगों को रखा गया है। देखो 39 ओबीसी है, इनमें 60 लोगों को रखा गया है। 26 ईडब्ल्यूएस की सीट पर 57 कैंडिडेट्स को रखा गया है। देखो ईडब्ल्यूएस वाले में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ वहाँ पर देखने को मिल सकती है, जैसे कि किसी का सर्टिफिकेट जो है किसी और का बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है, उसने फॉर्म वहाँ से भर दिया समथिंग। ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग बाहर होंगे तो एडवांटेज जो मिलेगा वो मिलेगा वेट लिस्ट वालों को। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फंडा है। अब आपको एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता दूँ कि जो अगला स्टेप क्या है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सबसिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो अभी ये प्रोविजनल है, फाइनल आपका तभी हो पाएगा जब ये वाला प्रोसेस आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो अब बात को, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आप अगर किसी भी स्टेज पर पाए जाते हैं या फिर आपने कोई गलत जानकारी दी या फिर आप किसी तरीके से मिसकंडक्ट, ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, अनफेयर में हैं, तो आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके अगेंस्ट में जो लोग वेट लिस्ट में उनको बुलाया जाएगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है ये। ठीक है, तो अभी एक प्रोसेस बचा है DB का। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद आप ये देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसीज बच रही हैं। ठीक है, उसके हिसाब से लोगों को इनवाइट करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे, मेल भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, समथिंग, ये अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर लोग इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन भी नहीं करते, सपोज करो कि कोई एक्स पर्सन है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया और वो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो वो पोस्ट खाली है। अब खाली वाली पोस्ट को भरने के लिए
जो क्या है आपका जो इनकी बेट लिस्ट है वो वाली चीज काम आएगी, ठीक है। रिजर्व में इन्होंने जो बेट लिस्ट बना रखी है उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर सपोज कर लो कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गया, ठीक है। या फिर एक ऐसा भी है कि अगर एफसीआई किसी तरीके से कुछ वैकेंसीज में प्लस माइनस कर रहा है, देखो वैकेंसीज हमेशा टेंटिव होती हैं, ठीक है। टेंटिव मतलब दैट मीन्स कि ये हमेशा फिक्स नहीं है, टेंटिव है। अथॉरिटीज़ के पास पूरी पूरी जो है इनके पास पूरे पूरे राइट्स होते हैं कि ये प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसीज टेंटिव हैं, तो मे बी अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आपको मिलेगा, ठीक है, तभी वेट लिस्ट आपके क्लियर होगी। अब जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे चांसेस क्या हैं, मेरा इस रैंक में इस पोजिशन पर नाम है, मेरा 10 पर है, मेरा 58 पर है, तो उनके लिए दोस्तों मैं बता दूँ, जो अपर रैंक का कैंडिडेट है उसके पास सबसे अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीटली अभी भी डिपेंड ये किसके ऊपर करेगा कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये भी आप समझ के चलो कि जो बंदा अनरिजर्व लिस्ट में रैंक नंबर 1 पर है वेट लिस्ट में, ठीक है, तो उसके चांसेस मुझे लग रहा है कि 100% उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखो कि जो इन्होंने 139 पोस्ट निकाली हैं, 139 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें से मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे मे बी जिन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया होगा, या फिर कुछ लोग डीबी में फेल हो सकते हैं। तो जो आपका वेट लिस्ट में पर्सन होगा अनरिजर्व रैंक 1 वाला, उसको कॉल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये समझ लो कि जो अपर रैंक का कैंडिडेट है उसके पास सबसे अच्छे चांसेस हैं, ठीक है, सिलेक्शन लेने के। लेकिन फिर भी अब बार बार बता रहा हूँ, फिर भी ये कंप्लीटली आपका डिपेंड करेगा कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, फाइनली डिपार्टमेंट को। तो अभी आपकी कोई भी आस यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप आस को छोड़ दो, ठीक है। आस को छोड़ने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद देख लो यहाँ पर 206 लोग हैं, ठीक है। इन द केस अगर 139 पोस्ट में से सपोज कर लो कि अगर कोई ऐसा केस पड़ गया जिसमें 50 to 60 लोग बाहर हो गए, तब ये 50 60 अपर वालों को बुला लेंगे। अगर इनको लग रहा है कि केवल 4 5 लोग बाहर हो रहे हैं तो रैंक 10 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिक्स नहीं मान सकते कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी अगर वेट लिस्ट में रैंक 10 है तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस 100% है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं आप मान सकते, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये मैटर ज़्यादा करेगा। अगर डीबी में और भी प्रोसेस में अगर फेल हो जा रहे हैं या उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, वो इसको ज्वाइन नहीं कर रहे, उन्होंने इसको छोड़ दिया है, तो ये चीज़ है कि बैकअप है आपके पास और रिजर्व लिस्ट वालों को, वेट लिस्ट वालों को कॉल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको बैकअप लेकर आप आगे फॉरवर्ड हो जाओ अपने नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी में। आने वाले दिनों में जो भी रिक्रूटमेंट है इसमें दिल लगा के बिल्कुल दिलो जान से तैयारी करो, और मुझे लग रहा है कि अगर आप इस स्टेज तक आए हो तो आपका कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने एसएससी में अपने हाथ अजमाए, एसएससी की तैयारी की, इसमें भी आए थे, एफसीआई में भी, और वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा पिछड़ गए, तो मैं कहूँगा कि वो लोग अपने एसएससी में फिर से बिलीव करें और तैयारी करें। और भी जो रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बैंक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनको एक बार फिर से दो, और इस 2020 में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि रास्ते ज़रूर थोड़े से टिपिकल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो सफलता है वो आपकी मंजिल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। उसके लिए थोड़ा सा और परिश्रम, थोड़ा सा और अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ें देख लो, कहाँ पर आप लैग कर गए, कौन सा सेक्शन आप कम कर पाए, कहाँ पर आप लैग कर गए, तो उनसे दोस्तों आपको थोड़ा सा गाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने सेल्फ इवेल्यूएशन, अपना खुद का एनालिसिस ही एक सबसे बड़ी टॉनिक होती है। अपने आपको सिलेक्शन में अगर आपको देखना है, अपने आपको सक्सेसफुल देखना है, तो आपको अपने आपको असेस करना होगा, अपने आपको एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही आप अपने आप को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और अभी जो लोग पूछ रहे हैं कि वेट लिस्ट कब आएगी, देखो कोई भी इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज़ तो अभी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि ऑलरेडी इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने में इतना डिले किया, जुलाई एंड का एग्ज़ाम जाते जाते आप देख लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 6 महीने में इन्होंने रिजल्ट घोषित किया, ठीक है। मतलब उसके बाद रिजल्ट एग्ज़ाम ले लिया था, फिर इन्होंने थर्ड वाला लिया और अब जाकर रिजल्ट ये वाला आउट किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ये प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिले, लेकिन आप पॉजिटिव रहो और एफसीआई की वेबसाइट को चेक करते रहना,
साथ में कनेक्टिविटी हमारे साथ भी बनाकर रखना कैफ के साथ में, ताकि कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको जरूर 100% गारंटी ले रहा हूँ, अगर न्यूज़ आएगी तो मैं आपको इस चैनल पर इंटीमेट जरूर करूँगा, चाहे वो 5 लोगों का सिलेक्शन हो चाहे 10 लोगों का सिलेक्शन हो। ये दोस्तों आप सभी से मिलकर ये परिवार इतना बड़ा बनाए, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अगर इससे जुड़े हुए हैं तो हर एक रिक्रूटमेंट निकले चाहे उसमें कितने भी लोग अप्लाई करें, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को वो सूचना जरूर दूंगा जो अगर आपके हित में होगी और आप अगर डायरेक्टली उससे किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो विश्वास रखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि कब रिजल्ट लिस्ट आएगी। जब इनका डीबी का प्रोसेस हो जाएगा, लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ये अपना एनालाइज करेंगे कितनी वैकेंसी पोस्ट बची है, उसके बाद ये लोगों को बुलाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा देखो लगने को तो 2-3 महीने में भी आ सकता है, अगर ये रिजल्ट हाउस कर दिया। अब इन्होंने लगभग 15 दिनों के अंदर ये डीबी के लिए लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर दें, 1-2 महीने में अपना प्रोसेस खत्म कर लें, तो ये मुझे लग रहा है 2-3 महीने में हो जाएगा। अब आप खुद मान के चलो कि 2-3 महीने बाद अगर डीबी के लिए बुलाते हैं तो ये चीज़ आगे डिले हो जाएगी। तो किसी को कोई फिक्स डेट नहीं पता कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी कब नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें जस्ट स्पेकुलेशन है। अब ये डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कितने फास्ट डन हो रहा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आ पाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी बैकअप और अपने आप को फॉरवर्ड आगे मूव कराओ और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगर कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी न्यूज़ आपके लिए मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ है और आसार है तो 200-200 लोगों को वेट लिस्ट में रखा है, अगर मौके आए तो कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे, वो लोग आप चेक कर लेना। और हमारे साथ करंट अफेयर्स फंडा के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अभी टेलीग्राम ग्रुप के लिए सर्च करना करंट अफेयर्स फंडा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे, तो आप बहुत सेलेक्टेड अपडेट होंगे, आप उनको देखो और आपके काम का है तो आप उसको एक्सेस करो। और साथ में हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप भी यहाँ पर बना हुआ है, आप अपनी चैटिंग ग्रुप अपने फ्रेंड्स वगैरह से क्वेश्चन वगैरह बहुत कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया 10-11-12 मिनट का, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, मुझे लग रहा है कि अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है कोई क्यूरी है तो नीचे प्लीज़ कमेंट में डाल दो और वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा लो ताकि इस चैनल का जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपके पास आता रहे, और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।